हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज हाउस। आज हम बनाने वाले हैं मेथी स्टिक, वो भी घर पे। या जैसे कि आप देख सकते हो, ये थोड़ा अनहाइजीनिक भी है, लेकिन आप इसको हाइजीनिक वे से भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना है, चलिए रेसिपी देख लेते हैं। मेथी स्टिक बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाउल में 1 कप मैदा लिया है। आप मैदे के अलावा यहाँ पे गेहूं का आटा ले सकते हो। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धना पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है, इसे सबसे पहले हाथ में थोड़ा हम क्रश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अजवाइन लिया है, इसे हम स्प्रेड कर लेते हैं। साथ में कस्तूरी मेथी, अगर आपके पास यहाँ पे फ्रेश मेथी है तो आप वो ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप कस्तूरी मेथी इस्तेमाल कीजिए। और कस्तूरी मेथी सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये टेस्ट भी बहुत बढ़िया देता है, तो इसे हम डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टेबलस्पून ऑयल, इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका हमें एक नॉर्मल डो बना के लेना है, और धीरे धीरे पानी डाल के इसका हम एक नॉर्मल डो बना लेंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम जो डो बनाने वाले हैं, यानी कि जो इसका आटा हम बनाने वाले हैं, ये ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। ये मीडियम आटा हमें इसे गूंथ के लेना है। ये देखिए, ये आटा हमारा गूंथ के रेडी हो चुका है। अब देख सकते हो, ये ना ज़्यादा सख्त है ना पतला है। अब ये बैटर हमारा प्रॉपरली बन के रेडी हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए प्लेट रख के हम रेस्ट करने देंगे। तो नमकीन पारे बनाने के लिए यहाँ पे हमें चटपटी मसाला बनाना है। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाट मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1/4 से भी कम यहाँ पे मैंने नमक इस्तेमाल किया है। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये देखिए, 10 मिनट आटा रेस्ट करके हो चुका है। अब इस आटे में से सबसे पहले हमें एक लोई निकाल के लेंगे। अब इस लोई को हमें सर्कुलर बेल के लेना है। थोड़ा थोड़ा आटा लगा के हम इसकी पतली रोटी बेल के लेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा लगा के हम इसकी पतली रोटी बेल के लेंगे। और दोस्तों, ये जो हम नमकीन पारे बना रहे हैं, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप हाई टी में, ब्रेकफास्ट में या किसी भी टाइम पे ये चटपटी चीज़ें खा सकते हो। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बना के देखिए, और जितना हो सके इसे हमें पतला बेल के लेना है, ताकि हमारे ये जो नमकीन पारे, ये अच्छे से करारे और क्रिस्पी लगे। ये देखिए, ये रोटी हमारी बेल के रेडी हो चुकी है, और इसे हम कट कर लेते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सर्कुलर शेप का एक स्पून लिया है। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप नाइफ इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट के लेंगे। हमारे स्टिक्स कट करके हो चुके हैं। अब पैन में ऑयल रखा है, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जो एक एक स्टिक, तो अब हम इसमें एक एक स्टिक डाल देंगे, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करके लेना है। और जितना ऑयल है उतना स्टिक्स आप इसमें डालते रहिए, और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। तो ये हमारे मेथी स्टिक्स बनके रेडी हो चुके हैं। तो इसे हम अब निकाल के लेते हैं प्लेट में। तो प्लेट में सबसे पहले यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर लिया है, तो इसमें हम इसे निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें सोख हो जाए। ये देखिए, हमारे ये मेथी स्टिक है बन के रेडी हो चुका है। लेकिन फिर भी अब इसे और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, और जैसे हम इसे गरम तेल से निकाल लेते हैं, तो इसे हमें चटपटा बनाना है। तो जो हमने मसाला बनाया था वो हम इसके ऊपर स्प्रिंक कर लेंगे, और तुरंत उसे हाथ से मिक्स करके लेना है। ये देखिए, तो दोस्तों, हमारे मेथी स्टिक्स बनके रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये जो मेथी स्टिक्स हमने बनाए हैं, ये कितने क्रिस्पी और करारे हो चुके हैं। तो
तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बना के देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।